जब से कंगना ने रिपब्लिक टीवी को अपना इंटरव्यू दिया है तब से बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जिससे आप खुद ही समझ जाएं ये क्या है। ये देखिए, विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, और उसमें वो साफ लिख रहे हैं कि आज उन ग्रुप्स में सिर्फ तीन ही बातें हो रही हैं। ये उन ग्रुप्स जो इशारा किया गया है, ये उन ग्रुप्स का इशारा है जहां पर बहुत सारे स्टार्स उस ग्रुप के मेंबर हैं। पहला उन्होंने लिखा है ब्लडी, शायद विच लिखने की कोशिश की है, BIT के बाद स्टार्स लगे हैं। हाउ डेयर शी इज फिनिश्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आवर सेल्व्स, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आवर स्लेव्स हु कैन गिव बीफिटिंग रिप्लाई टू दैट। फिर से लिखा गया, आप देखिए एक बार फिर से पढ़िए कि किस तरीके की बातें हो रही हैं। और नीचे विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं, कुछ ग्रुप्स में से मुझे निकालना भूल गए हैं, इतने तो डम हैं। जी हाँ, आपने देखा कि कैसे, जब मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जैसे जैसे ही जब शोर मचाना शुरू करते हैं आप, तो चोर को डर लगने लगता है। ये जो हम शोर मचा रहे हैं ये चोर को डराने के लिए मचा रहे हैं। जैसे ही आप चोर का नाम लेकर डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसको उसके लिए शोर मचाते हैं, तो फिर इस तरह की बातें शुरू होती हैं। मैं आप लोगों के थ्रू एक और सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं और मुझे मैसेजेस भी किए कि वो PR मशीनरीज कहाँ हैं जो अचानक किसी बड़े स्टार के फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाते ही एक्टिव हो जाती हैं, किसी शिकार मामले में पकड़े जाने पर एक्टिव हो जाती हैं, उसे सो कॉल्ड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग करके उसका प्रचार करने लगती हैं। वो कहाँ हैं सारे? मुझे लगता है कंगना ने उन सबको काम पर लगा दिया है। वो इस वक्त नई नई स्ट्रैटेजी सोच रहे होंगे कि ओ ये कैसे हो गया। कोरोना के वक्त भी सारी लाइमलाइट भी सोनू सूद ले गए, क्योंकि तो वो तो वाकई मदद कर रहे थे, इसीलिए वो लाइमलाइट लेकर गए, क्योंकि लोगों की अब आंखें खुल चुकी हैं, लोगों को पता है कि कौन नाटक कर रहा है, कौन असल काम कर रहा है। अब तो इनके पास कोई चारा ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के एपिसोड के बाद तो ये सारे के सारे बेनकाब हो चुके हैं। इनकी सबकी सब ऐसे एक्सपोज हुए हैं कि इनकी ऐसी असलियत बाहर आ गई कि इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम बचाव करें तो कहां करें। फिल्में रिलीज हो नहीं रही, घर बैठे शूटिंग हो नहीं रही, और सोशल मीडिया पर पड़ रही हैं जमकर गालियां, और गालियां भी ऐसे काम के लिए जिसके लिए ये नहीं कह सकते कि हमको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि खुद के कर्म ऐसे हैं। तो जब इंसान फंस जाता है ना अपने ही किए हुए मकड़ जाल में, अपने ही बनाए हुई दलदल में, तो ऐसा ही हाल होता है। फिर इस तरह के मैसेज चला करते हैं ग्रुप में कि कैसे हम इसको नीचा दिखाएं, क्यों ये सच बोल रही है, क्यों ये शोर मचा रही है, क्यों हमें चोर कह रही है। ये सब तो आपको चोरी करते वक्त देखना चाहिए था, चोरी करते वक्त सोचना चाहिए था। आज जब एक्सपोज हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का रहा है। न्यूज मीडिया से अब कुछ चैनल्स बाहर आ रहे हैं क्योंकि कंगना ने बोलना शुरू कर दिया। कंगना भी फेस है, बड़ा नाम है, इसलिए अब न्यूज चैनल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो इसकी असली शुरुआत तो सोशल मीडिया पर हुई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई कहां है बॉलीवुड, क्यों चुप है वो। उस वक्त किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब PR मशीनरीज इस समय, मैं आपको बता रहा हूं और ये बिल्कुल पक्की जानकारी भी दे रहा हूं, वो इस समय सोच रहे हैं कि कैसे इस पूरा जो ये जो रायता फैल गया है इसको कैसे समेटा जाए। जी हाँ, यही चल रहा है वो, क्योंकि आपको बेवकूफ समझते हैं। आपको बेवकूफ इसलिए समझते हैं क्योंकि हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, अभी भी उन सो कॉल्ड स्टार्स को मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके। चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, उन्होंने भले ही कॉमेंट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन अभी भी मिलियंस लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी अभी भी लोगों को अकल नहीं आई है। और मुझे तो शक है कि अगर 2-3 महीने ये सब ऐसे और चलता रहा तो लोग इसके भी आदि हो जाएंगे और इन सारी बातों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, जिन सारी बातों का असर अभी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी आप लोगों को सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको और ना बनाया जाए तो नींद से जाग जाइए। कंगना रनौत जो कह रही हैं वो सारी बातें सच हैं, और आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपके पैसे से बनती हैं फिल्में, आपकी जेब से पैसा निकालकर प्रोड्यूसर बनाता है फिल्में, कोई अपने पैसे से नहीं बनाता है। आपकी जेब से पैसे निकालकर आप ही के ऊपर अपने ही परिवार के करीबी लोगों को एज ए हीरो हीरोइन थोप दिया जाता है। तो अगर आप तैयार हैं इस तरह से आगे भी बनते रहने के लिए तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये जागने का सही वक्त है तो उठिए, सवाल उठाइए, आपको भी सवाल उठाने का हक है। सिर्फ जर्नलिस्ट का काम नहीं है या मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है जो सवाल उठाएं, सवाल आप भी उठा सकते हैं।
हमारे जरिए उठा सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं, लेकिन सवाल उठाना बंद मत करिए, क्योंकि अन्याय अगर हो रहा है तो उसको सहना सबसे बड़ा पाप है। कितना बड़ा अपराध हमारे समाज में हुआ और हम उसके लिए अगर चुप बैठे रहते हैं तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं।